हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का आपको सेशन 2 वाली, और इसमें हमने अपना 1 एंड 2 स्टार्ट भी कर दिया। चैप्टर 1 लेते हैं आज हम दोबारा से। यहाँ पर नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 25 से हमें यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या करके क्वेश्चन चैनल तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है वैल्यू को फाइंड करना। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये 3 इधर है, ठीक है, एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 5। अब ये रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है, साइड क्यूब कर दो, यहाँ लिख दो क्यूबिंग बोथ साइड। बताती हूँ क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 3, हाँ 3, और ये इसका क्यूब होगा यहाँ पर 5 का। अब अगर आप देखो, जब ये रूट वाला 3 उधर जाएगा तो अपॉन में जाता है, ये आपको पता होगा, आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 120, कट हो गया ना, आ गया 2 प्लस का 3 इक्वल टू 1, है ना रूट। अगर रूट के अंदर छोटे वाले रूट में 3 नहीं लिखा होता यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग करके हटा सकते थे, यहाँ 3 लिखा इसलिए हमने क्यूब किया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x + 2 125 माइनस का जाएगा आपके पास 122 हो गया, ठीक है। अब तो आप आसानी से कर, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 120, आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, एक्सप्रेस द मिक्स डेसिमल बार इन दी, सिंपली आपको 1.7 बार को पी अपॉन लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.7 बार, मैं लिख सकता 1.7 कंटिन्यूएशन चलता रहे नॉन टर्मिनेटिंग। छोटी सीट के ऊपर बार है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, मल्टीप्लाई 100, आ जाएगा 100, आ जाएगा 127.727 जो तरह सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो दो तीन ही स्टेप है इन क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा तो हार्डली दो, ये आप उनको एक बार भी रिवाइज करो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, आ जाएगा 100x माइनस, आ जाएगा 127.7 माइनस 1.99x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर माइनस करके दिखा, क्या गया तो सीधा 126 लिख, एक्स आ जाएगा 120.99, ये तो 3, ये 3 है 42, 42 अभी भी ये 3 से कट हो रहे हैं, 11 पे हो रहा है 14 पे, आंसर आ गया 14 अप। और एक्स आपने माना किसे था, 1 पॉइंट बार कोई तो आ गई वो पी अपॉन क्यू की, कह रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहे सिंपलीफाई करो, आपको सारी चीजें रूट में दे रखी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, आपको सिंपल और पहले इस क्वेश्चन आपके पास है रूट 5 प्लस का रूट, और यहाँ पर है आप पे प्लस का रूट 48 माइनस का रूट 45 माइनस का रूट 47। देखो 5 प्लस का रूट कैसी रहना, रूट 80 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 65, क्योंकि 5 जो 80 होता है, ठीक है। 48 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 68 जा, तो लिख सकते 9 × 5 सकते हो, 9 × 3 हुआ
अभी भी मेरा न्यूमरेटर ऐसी है, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 रूट 5 हो गया, अगेन 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 रूट 3, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 5 तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप देखो, अब आप यहाँ पर रूट सेम नहीं है, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास रूट नहीं सेम, नीचे रूट सेम होंगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अब मैं ये कर सकती हूँ, यहाँ पर मैंने रूट 5 प्लस रूट कैसे ही रहने, इन दोनों में से मैं रूट 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 माइनस का 3। सेम ऐसी इन दोनों में रूट 3 कॉमन ले लेती हूँ तो 4 माइनस का 3 क्या बचेगा, है ना। अब यहाँ 4 माइनस 3 तो 5 प्लस रूट बचा, फाइन ये कट गए, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में हमने 520, कहीं भी डाउट लगे इनको तो आपको अच्छी लाइक जरूर, थैंक यू।